थैंक यू। सबको ये साबित करने के लिए कि तुम अभिमन्यु खन्ना और लक्ष्य नहीं, पता है क्या तुमने साबित किया ना, तो मेरी सबसे टेंशन खत्म हो गई। ये तो सराव संस्कार भी जान ले लेते। सॉरी यार, तुमने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पे और मैं तुम्हें ऐसे दर्द दे रहा हूँ। तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो कि दर्द है ना, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में दर्द चला जाएगा। फिर तुम, मैं तुम्हारी मिश्का आराम से ऊपर जाके कैरम खेलना, कैरम पसंद है ना उसे। अरे ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? जान है मेरी, और ये जो तेरी मिश्का है ना, ये बहुत कुछ जानती है, इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है ना मानसी? हाँ वो बहुत कुछ जानती है, लेकिन क्या हम उसे एक मौका नहीं दे सकते? अभी वो एक छोटी बच्ची है, जैसे जैसे बड़ी होगी सब कुछ भूल जाएगी, और हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि उसे मूव ऑन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं, वो बहुत ज्यादा जानती है, इट्स अ रिस्क। मिश्का को तो मरना ही पड़ेगा। ओके, बाय द वे लक्ष्य, तुमने हमारी इतनी मदद की है तो कम से कम मैं तुम्हारी आत्मा को शांति तो दे ही सकती हूँ, है ना? बाय द वे लक्ष्य, इस गम के साथ मत जाना कि तुमने मेरे पति को मारा। सॉरी अगेन, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। चौंक गए? तुम्हें पता है, सच तो ये है कि अभिमन्यु और मेरी कभी बनी ही नहीं। हम दोनों के बीच जो दूरियां आई उसमें मैं और निखिल एक दूसरे के करीब आ गए। फिर क्या, मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे और निखिल को बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने अभिमन्यु को कन्विंस किया कि ये बच्चा उसका है। पर सच तो यह है कि मिश्का निखिल की बेटी। अभिमन्यु मान गया, उसने मुझे और मिश्का को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, पर उसके बाद वो मुझे और मिश्का को कनाडा में ही छोड़ के इंडिया चला गया, और तभी मुझे पता चला कि उसकी प्रॉपर्टी और पैसे मुझे नहीं मिल सकते। मेरी शादी टूट गई और मेरा अमीर बनने का सपना भी। इसलिए मैंने और निखिल ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, और जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उस दिन अभिमन्यु खन्ना ऑलरेडी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। अगर तुम्हारी गाड़ी उससे नहीं भी टकराती ना, तब भी वो मरता, क्योंकि उसे तुमने नहीं मारा, उसे हमने मारा। आज तुम्हें मार के मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी और अभिमन्यु खन्ना की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। चलो ले चलो इन दोनों को। भाभी,
आप दोनों यही रखिए, मैं अभी आती हूँ। अंदर आओ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार आज पूरा हो गया, मेरी दोनों बेटियां घर वापस आ गई हैं। ना जीजी, अब इतना इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत ना है। अब देखना ये दोनों छोरियां ना कभी किसी को परेशान ना करेंगी और बस खुशियां ही खुशियां देंगी जे घर में। क्या हुआ लक्ष्य, आप ठीक तो है ना? ये लक्ष्य तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये अब तुम्हारी हालत ठीक है। मुझे तुमसे माफी मांगनी है बेटा, मैंने तुम पर कई इल्जाम लगाए, चाहे वो लक्ष्य की किडनैपिंग हो या फिर उसे बहकाना, लेकिन सच तो ये है कि आज अगर लक्ष्य मेरे सामने खड़ा है तो वो सिर्फ तुम्हारी और स्वरा की वजह से। सच मानो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। नहीं माँ। नहीं बड़ी माँ। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था, लकी मेरा भाई है। जो हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि हमारे बच्चे हमारे पास आ गए, हमारे लिए यही बहुत है। हाँ लेकिन मुझे उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इन सब में उसका कोई दोष नहीं है, फिर भी उसे कितना कुछ भुगतना पड़ रहा है। मिस्टर महेश्वरी, लक्स जी मिस का आठे। हाँ चाची, मैंने ही मिश्का को यहाँ बुलाया है। पापा, पापा, मिशु क्या सिखाया मैंने आपको? गुड गर्ल रोती नहीं है ना? चलो शांत हो जाओ। गुड गर्ल।